तन सोवेला जित दर्शन करना हौ मल्हारी सतगुरु चरणा सतगुरु चरणा हौ बलहारी सतगुरु चरणा
अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न। राजयोग तखत दियन गुरु रामदास, राजयोग दा जिथे संसारी बख्शिश राज, निरंकारी बख्शिश जोग, राज जोग तखत भक्ति ते शक्ति दोवें सांझियां। ओ तखत धन गुरु रामदास जी महाराज जी की झोली विच अकाल पुरख ने पाया। ऐसा कुछ भट्ट जी व्याख्यान कर रहे हैं। सवैये महल्ले चौथे के ये पट्टा जी बाणी है। पट जी बख्शिश कर रहे हैं। सब विद मान्यो मन हर पक्षों, जदों अकाल पुरख दा मन मन गया राही गुरु अमरदास दे शरीर करके धन गुरु अमरदास जी महाराज नानक नाम निरंजन जायो जानो। जो निरंजन अकाल पुरख मालिक वाहेगुरु है वह गुरु नानक दे रूप विच, ते गुरु नानक दे गुरता गद्दी दे मालिक गुरु अमरदास आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। सवै महले तीजे के रब जी आप धन गुरु अमरदास जी महाराज जी दे रूप विच राही गुरु अमरदास दिया निगाह नदर गुरु अमरदास जी दे गुरु अमरदास जी महाराज जी की नदर हेठा साहब गुरु रामदास जी महाराज जी का जीवन घड़िया जा रहा। गुरु अमरदास जी महाराज वेख रहे प्रतक हमने आप जी ने श्रवण किया ना, जिस वेले बावली साहब की सेवा हो रही है धन गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा रूप में गुरु रामदास साहब जी की प्रख्या ले रहे हैं। भाई जेठा जी एक पासे भाई रामा जी दोवें दामान दोवें जवाई सतगुरु जी महाराज जी ने बख्शिश करके सेवा विच ला दिता थड़े बनाए जान। अपनी नज़र हेठा मैं गुरु घर की सेवा नूं हुंदियां वेखांगा। इहदे वास्ते शरीर बिरध है थड़े बनाए जान, थड़े ते बैठ के मैं वेखां। दोवां नूं स्थान सुनिश्चित कर दिते। सवेर तो शाम तक भाई रामा जी भी भाई जेठा जी भी थड़े बाणे आते हैं। जदों शाम को गुरु अमरदास साहब जी महाराज आते हैं परख करते हैं गुरु साहब जी की निगाह प्रवान नहीं होंगे आखते हैं थड़ा ढा दो, थड़े ढा दिते जाते। नैक्सट डे अगले दिन फिर थड़े बना दो, सारा दिन थड़े बनाए जाते हैं। शाम को फिर नहीं कबूल होए गुरु साहब जी बख्श करते हैं थड़े ढा दो। एक दिन दो दिन तीन दिन इस तरह चलता रहा। भाई रामा जी ने हाथ जोड़े आखन लगे सतगुरु जी कृपा करो इस तो वधिया थड़ा मैं नहीं बना सकता, किसी होर नू ला दे उस सेवा दे विच पाओ। भाई रामा जी वड्डे जवाई ने हाथ खड़े कर दिते इस सेवा ते। जिस वेले सतगुरु भाई जेठा जी वल जाते ने पाओ चौथे पातशाह गुरु रामदास जी की उन्हां वल जदों जाते हैं गुरु अमरदास जी महाराज तो भाई जेठा जी के पहला ही हाथ जुड़े होंगे ने विनम्रता दे पुंज आखते हैं सतगुरु जी मेरी अपनी मत बुद्धि कम ते करदी नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੜੇ ਢਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਲ ਵਰਲਡ ਅੱਜ ਨਕ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਠੇ ਸੱਪੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਦਜਿਆ, ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਥਾਨ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਬਿਅਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ।